हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं क्लास 7 का बिल्ली का वंडर चैप्टर लाई हूँ। बहुत ये भी सुंदर, बहुत ही हंसी वाला चैप्टर है। बिल्ली क्या करे, देखो देखो। विनायक मोहाली स्ट्रीट के उस पुराने मकान में एक रास्ता पीछे आंगन की ओर जाता था, जहाँ मकान मालिक ने अपने किराएदारों के लिए एक कुआं और एक शौचालय बनवा रखा था और प्रत्येक से अधिकाधिक किराया वसूल करता था। वह खुद उसके संकरे से किनारे पर रहता था, जो गली तक जाता था। वहाँ उसने अपनी एक दुकान खोल रखी थी, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों के लिए मीठी गोलियाँ, पेंसिलें तथा बिस्किट आदि रखता था। वह रात को अपनी दुकान बंद करके उसके दरवाजे के सामने ही सो जाता था, ताकि अगर कोई दुकान में चोरी करने की सोचे तो पहले उसके शरीर से टकराए। साथ ही उसका यह दुकान के अंदर उसने मिट्टी के तेल के खाली पीपे भी एक के ऊपर एक इस तरह जमा दिए थे कि मामूली सा स्पर्श होते ही वे झनझनाकर नीचे गिरे और इस प्रकार उसे चोरी का पता चल जाए। एक बार आधी रात के समय एक बिल्ली दुकान में रखी हुई अनाज की बोरियों के बीच में एक चूहे को पकड़ने के लिए घुस गई। वहाँ उसने एक पीतल का लोटा देखा और कौतूहलवश उसमें अपना मुँह डाल दिया। उस लोटे का मुँह न तो इतना सकरा था कि उसमें फंसकर बिल्ली का दम घुट जाता, और न इतना चौड़ा कि बिल्ली अपना सिर वापस निकाल सके। अपने सिर पर वजन और आंखों पर पट्टी सी महसूस करके बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में वह दुकान की दीवारों से सिर टकराती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। दुकानदार ने दुकान में होने वाले शोर को सुनकर अंदर झांकने की कोशिश की और फिर चिल्लाने लगा, चोर चोर दौड़ो। उसने एक लाठी उठा ली और चोर को डराने के लिए फर्श पर ठक ठक करके बजाने लगा। उस आवाज़ से बिल्ली और ज़्यादा घबरा गई और तेज़ी से उछल उछल कर दुकान में रखे हर सामान से अपना लोटे में फंसा हुआ सिर टकराने लगी। दुकानदार के चिल्लाने से उसके किराएदार जाग गए। उन्होंने भी दुकान में झाँक कर देखने का प्रयत्न किया, देखिए यहाँ पर किया, और अंदर से किसी धातु जैसी चीज़ की टकराने की आवाज़ सुनकर डर गए। दुकान के अंदर अंधेरा होने के कारण उन्हें किसी की आकृति भी नहीं दिखाई दी। वे लोग समझने लगे, अंदर जरूर कोई दुष्ट आत्मा है, किसी ने सलाह दी ओझा को बुलाया जाए। वहाँ का ओझा उस दुकानदार के यहाँ ही किराएदार था और अपनी कोठरी में बैठा बैठा ही 50 रुपये रोज कमा लेता था। उसके पास दूर दूर से लोग झाड़ फूक करवाने के लिए आते थे। संकट के समय दुकानदार ने आधी रात में उसी ओझा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हुए पुकारा, भाई बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी दुकान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जल्दी आओ। ओझा जल्दी से अपनी माला और झोला उठाकर संकट स्थल पर पहुंचा और पहुंचते ही बोला, अब बताओ क्या बात है। दुकान के अंदर एक लोटा हर चीज से टकराता हुआ इस तरह उछल कूद कर रहा है मानो उसमें जान आ गई हो। अच्छा, तो यह लोटे वाली आत्मा है? यह आत्मा हमेशा खाली लोटे में घुस जाती है, इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई भी खाली बर्तन आसमान की तरफ मुंह करके नहीं बल्कि उल्टा करके ही रखना चाहिए। ये आत्माएं लोगों को डराने की कोशिश करती हैं, अगर कोई डर जाए तो ये उसका सिर भी फोड़ सकती हैं, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। दुकानदार ने विलख कर कहा, मैं तो सीधा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि ये पिछले जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म में तुमने ऐसा कोई काम किया हो। कैसा काम? दुकानदार ने चिंतित होकर पूछा। ओझा भी अन्य किराएदारों की तरह अपने इस मकान मालिक से घृणा करता था, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए वह नरमी से बोला, यह तो कोई नटखट आत्मा है, कुछ खास नहीं। उसी दौरान अंदर से बराबर धातु की झंझनाहट की आवाज़ आने लगी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, इसलिए तो कहते हैं कि घर घर में बिजली होनी चाहिए, लालटेन क्यों नहीं ले आते? 3 दिन से मिट्टी का तेल भी नहीं है, खाना पीना भी तारों की रोशनी में करते हैं, धीरज रखो, मकान मालिक ने कहा। मैंने बिजली के लिए अर्जी दे रखी है, जल्दी ही मिल जाएगी। इतने में किसी ने टार्च जलाई, उसकी रोशनी में ओझा ने अंदर झांका, लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली तेजी से उछलती हुई दीवारों और खिड़की की छड़ों से टकरा रही थी। ज्यों ज्यों लोटे के टकराने की आवाज़ आती थी, दुकानदार भय से चीख पड़ता था। यह सब प्रेत लीला, इनके पापों का फल है, दुकानदार की इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। अगर तुम लोग यहाँ इतने दुखी हो तो मकान छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? दुकानदार ने कहा। इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस शहर में मकानों की कमी थी। इतने में ओझा ने सबको चुप रहने के लिए कहा। इसी तरह ओझा दुकान के अंदर जाने को तैयार हो गया। उसने दरवाजे पर जाकर जोर से पुकारा, ओरी आत्मा, मैं तुझसे नहीं डरता, तू जैसी आत्माओं को मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ,
उसने दुकान के रोशनदान में कदम रखा ही था कि लोटा कांच के रोशनदान से टकराया और कांच चूर चूर हो गया। इससे बिल्ली की घबराहट और बढ़ गई और वह कलाबाजी खाती हुई नीचे गिर पड़ी। ओझा की टांगें लड़खड़ा गई। वह मिट्टी के तेल के खाली पीपों से टकराता हुआ बाहर निकलते हुए बोला, ओह ओह, यह तो साधारण मामला नहीं है, पूरा तूफानी बाउंडर है। आखिर मुझे भी तो अपनी हिफाजत चाहिए, मैं अंदर नहीं जा सकता, न मोमबत्ती है न कोई रोशनी है। हे भगवान, मेरी दुकान और जायदाद का क्या होगा, दुकानदार बिलखने लगा। ओझा दुकान के बंद दरवाजे के सामने बैठ गया और तांबे का बर्तन लाने का आदेश दिया। दुकानदार ने कहीं से एक एल्युमिनियम का कलश लाकर दिया। तुम अपने आप को साहूकार कहते हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न मोमबत्ती न रोशनी न तांबे के बर्तन, ओझा ने कहा। ओझा ने एल्युमिनियम के कलश को उठाकर जमीन पर दे मारा। उसी समय अंदर से भी लोटे के बार बार किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। लक्षण सही दिखाई दे रहे हैं, वह बोला, यह सब आत्माओं का खेल है। मुझे संदेश मिल रहा है कि यह आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी क्षतिपूर्ति चाहता है। क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा किया है? दुकानदार घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने हमेशा लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया है। ओझा उसकी बात काटता हुआ बोला, क्या तुमने कभी किसी के धन पर हाथ साफ किया है? दुकानदार ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे सच्चे मन से पश्चाताप करने से वह दुष्ट आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। लोटे के टकराने की आवाज़ फिर तेज हो गई थी। दुकानदार घबरा गया और बोला, कृपा करके उस आवाज़ को किसी तरह बंद कीजिए। ओझा ने एक गंधक का टुकड़ा जलाया और उसके आसपास एक घेरा बना दिया और कहा, यह दयालु आत्माओं को मनाने के लिए है। ओझा कहने लगा, तुम्हारा अंतःकरण मानसरोवर झील की तरह स्वच्छ होना चाहिए, इसलिए जो कुछ मैं कहूँ उसे दोहराते जाओ। अगर जरा भी बेईमानी की तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। तुम्हारी खोपड़ी का कचूमर बनाने में आत्मा को कोई झिझक नहीं होगी। ओझा ने दुकानदार से कहा, मेरे पीछे पीछे ये सब दोहराओ, मैंने एक अच्छी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, बेईमानी नहीं की। दुकानदार ने वैसा ही दोहराया। ओझा ने पूछा, तुमने कभी किसी की संपत्ति हड़पी? दुकानदार ने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी की संपत्ति नहीं हड़पी, मैं नहीं जानता, मुझे ऐसी किसी गड़बड़ी का संकेत मिल रहा है, ओझा ने कहा। ओह, इसमें मेरी गलती नहीं है, दुकानदार ने बिलखते हुए कहा, मेरी गलती से ऐसा नहीं हुआ, संपत्ति मेरे हाथों में आ गई तो मैं क्या करूं? संपत्ति थी किसकी? दुकानदार चुप हो गया, फिर सोचकर गुस्से में बोला, अब मैं एक भी शब्द नहीं बताऊंगा, जितना बताना संभव था मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी तुमने वह भूत नहीं निकाला तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगा। वह ओझा को घसीट कर दुकान के सामने ले गया और उसे दुकान के अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया। ओझा भयभीत होकर चिल्लाता हुआ अंदर जा गिरा। उसकी चीख में अंदर वाली धातु की आवाज़ भी दब गई। जब वह अंधेरे में अपना रास्ता टटोल रहा था तब दुकानदार दरवाजे पर पहरेदार के भांति खड़ा हुआ था। तब उसके पैरों के बीच में जोर से लोटे की टक्कर पड़ी और वह बुरी तरह चिल्लाया, हाय हाय, मैं मर गया। वह बिल्ली लोटे के टोप शहीद उछलकर गली में कूद पड़ी और भाग गई। ओझा और दुकानदार दोनों घूर घूर कर उसे जाते हुए देखते रहे। दुकानदार बोला, आखिर यह तो बिल्ली निकली। हाँ, दिखाई तो यह बिल्ली जैसी दे रही है, पर तुम क्या जानो इसके भीतर क्या है? दुकानदार ने कुछ सोचा और चिंतित होकर पूछा, क्या यह दोबारा आएगी? कहा नहीं जा सकता, ओझा ने कहा, अगर दोबारा संकट आ जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वह अपनी कोठरी की ओर चल दिया। देखिए, ये इसको आरके नारायण ने लिखा है। सो बच्चों, आज आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ बाउंडर वाला, बिल्ली का बाउंडर। नेक्स्ट में मैं ये लाऊंगी ये चैप्टर फूल नगर के बौने। तब तक के लिए धन्यवाद।